तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ हैदराबाद के आठवें निज़ाम नवाब मीर बरकत अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की खबरें। यह है हैदराबाद के आठवें निज़ाम नवाब मीर बरकत अली ख़ान, हैदराबाद के आठवें निज़ाम की खबर। अगर आप हैदराबाद का दिल देखना चाहते हैं तो ये है हमारे पीछे चार मीनार, आप देख रहे हैं। आज मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जैसे ही मैं आज जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आया तो हैदराबाद के MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सब भी जुमा की नमाज़ पढ़ने आए थे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल ब्लॉग। तो दोस्तों, आज था जुमा का दिन और आज मैं आया था नमाज जुमा पढ़ने हैदराबाद के मक्का मस्जिद में। जब भी मुझे टाइम मिलता ना तो मैं नमाज जुमा पढ़ने मक्का मस्जिद में आ जाता हूँ। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अभी मैं जुमा की नमाज़ पढ़ के मैं मस्जिद से निकला हूँ और ये पीछे मक्का मस्जिद। अगर आप हैदराबाद का दिल देखना चाहते हैं तो ये है हमारे पीछे चार मीनार, आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे मज़े की बात बताऊं कि आज मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जैसे ही मैं आज जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आया तो हैदराबाद के MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सब भी जुमा की नमाज़ पढ़ने आए थे। बट वो आगे से आए और उधर से निकल के और असदुद्दीन ओवैसी सब भी आए थे आज जुमा की नमाज़ पढ़ने मक्का मस्जिद में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमाम साहब जहाँ पर नमाज़ पढ़ाते हैं ना, उसके बगल में बोर्ड सा लगा हुआ, वो पर्दे से ढका हुआ, बहुत से लोग वहाँ पर मैं भी देखा हूँ तो वहाँ पर खड़े होकर दुआ मांग रहे थे। मैंने लोगों से पूछा इसके बारे में तो उन्होंने बताते हैं कि यहाँ पे खड़े होकर मांगने से ना दुआ कबूल होती है। देख रहे, लिखा हुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह, या मोहम्मद, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم। इस पर बहुत से लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे जो खड़े होकर दुआ करते हैं ना उसकी दुआ कबूल होती है। तो यहाँ के जो मक्का मस्जिद के इमाम साहब हैं ना, मुझे इतनी खुशी हुई, इमाम साहब खुतबा में फ़लस्तीन के लिए भी दुआ करें, बैतुल मक़दिस के लिए दुआ करें और भी यमन सीरिया के लिए भी दुआ करें। अगर आपको ये दुआ सुननी है तो आप ये वीडियो देखें। वजमा बैन सुफूफ العرب والمسلمين على تحرير المسجد الاقصى وفلسطين على تحرير المسجد الاقصى وفلسطين من ايدي الصهاينة واعداء الاسلام يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في فلسطين اللهم احفظ المسلمين في اليمن اللهم احفظ المسلمين في سوريا اللهم احفظ المسلمين في سائر بلاد المسلمين وانصرهم على عدوك اعداء الدين اللهم دمر اليهود والمشركين। आपने ये वीडियो अभी देखे, इमाम साहब के खुतबा में दुआ कर रहे हैं फलस्तीन बैतुल मक़दिस के लिए दुआ कर रहे हैं, और जब ये दुआ कर रहे थे तो मक्का मस्जिद में 10,000 लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन सारे को रोना आ गया था। और उस वक्त मैं खुद दिल कांप गया जब इमाम बैतुल मक़दिस के लिए और फलस्तीनी आवाम के लिए, यमन के लिए, सीरिया के लिए दुआ करे। इस मक्का मस्जिद के दाहिने तरफ या राइट साइड में यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम की कब्र है। इससे पहली वीडियो में आपने हैदराबाद के छठवें निज़ाम की कब्र देखे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ हैदराबाद के आठवें निज़ाम कब्र भी यही है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये हैदराबाद के आठवें निज़ाम नवाब मीर बरकत अली ख़ान मुकर्रम जहाँ बहादुर मोहतरबुल मकाम आठवें निज़ाम हैदराबाद दक्कन के इंतकाल पर मलाल पर मक्का मस्जिद सोसाइटी की जानिब से खराज अकीदत पेश करते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ हैदराबाद के आठवें निज़ाम नवाब मीर बरकत अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की कब्र। फ्रेंड्स, आप जो ये कब्र देख रहे हैं ये है हैदराबाद के आठवें निज़ाम नवाब मीर बरकत अली ख़ान, हैदराबाद के आठवें निज़ाम की कब्र, जो अभी फ़िलहाल ही कुछ दिन पहले इंतकाल करें, ये तुर्की में इंतकाल करे, यहाँ मक्का मस्जिद में दफन किया गया। क्योंकि इसके बाद यहाँ बहुत से कब्र हैं जिसमें हैदराबाद के सेकंड निज़ाम, थर्ड निज़ाम, फोर्थ, फाइव, सिक्स निज़ाम की कब्र वो दिख रहे, वो हैदराबाद के सिक्स निज़ाम की कब्र और सातवें निज़ाम की कब्र इन कोठी जोधी मस्जिद में। और ये है हैदराबाद के आठवें निज़ाम मीर बरकत अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की कब्र। अगर आप यहाँ से अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से चार मीनार दिख रहा, अगर चार मीनार के अपोजिट में देखोगे तो मक्का मस्जिद, और मक्का मस्जिद के अपोजिट में देखोगे तो चार मीनार। अभी कभी मुझे टाइम मिलता ना तो मैं यहाँ आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करी तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हिस्टोरिकल पैलेस देखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, बगैर मेरे चैनल नोटिफिकेशन बिल दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, बाय, अल्लाह हाफिज़।